Hey guys, welcome back to my channel and hope you all are keeping well. आज की मैं इस वीडियो में मेरे पास एक माइक है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप प्लीज जस्ट चेक दैट आउट। उस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं इस माइक की बेसिकली ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक है, तो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं अनबॉक्स करके इसे दिखा दूँगी। आप देखना फिर बताना कैसी है ये माइक। स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट गाइस। ये है बोया M1 माइक। जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियो में बताई थी कि मेरे सारे इक्विपमेंट्स ऑफलाइन स्टोर से ही लिए गए हैं, तो ये अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप इसे बोया बाय M1 माइक करके सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी, सो यू कैन जस्ट चेक आउट देयर ऑल्सो। का बॉक्स ऐसा होता है, कुछ देख सकते हैं कि इसके पीछे जस्ट फीचर्स दिए गए हैं कि लाइक यू कैन जस्ट यूज दिस माइक फॉर स्मार्टफोन्स, पीसीज, टैबलेट्स और डीएसएलआरस, एंड देन इट इज ओमनी डायरेक्शनल एंड लो हैंडलिंग नॉइज। इसकी लेंथ है लाइक 6 मीटर। इसकी वायर है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी आगे की वीडियो में, तो वायर इसकी 6 मीटर लंबी है और काफ़ी अच्छी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ, और एक जस्ट फ्रंट में हमें एक, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो एक है स्क्रैच, वी हैव टू स्क्रैच ऑन कोटिंग, सो देयर विल बी आई थिंक 16 to 18 डिजिट ऑफ नंबर, सो दैट नंबर वी हैव टू पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ boya.mic.com, so there we can check the authenticity of this particular product. So in later part of this video I will show you how to check this, so if you want you can check the authenticity or else you can just leave it, so just stay tuned. इसे मैं अब अनबॉक्स करती हूँ, तो सबसे पहले हमें एक ये लेदर की बैग मिलती है जिसमें हमारा मेन माइक है जिसमें हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, सो वायर भी है इसमें, तो इसे हम लोग अभी साइड रख देते हैं। इसके बाद ये कुछ बैटरी है, एंड देन वी हैव वन क्लिप टू पुट दिस माइक ओवर आवर कॉलर, एंड देन अगेन वी हैव वन फोम टू पुट दिस फोम ऑन द माइक सो दैट इट विल प्रोटेक्ट द व्यू। सो लेटर इन लेटर पार्ट आई विल शो यू लाइक हाउ टू फिक्स दिस और हाउ टू put this clip and set up the device. So and one more, we have this booklet. So booklet is basically this is like user manual or user guide like how to set up this Boya mic. So इसे और इसमें ऐसा कुछ और खास नहीं है, तो चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, तो मैं अभी तक इसे नहीं पढ़ी हूँ, तो या बस इसमें इतना ही है। ये लेदर की बैग है, सो ये बैग काफ़ी अच्छी है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में जिसमें ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग की हुई, तो उसकी बैग उतना मैं बताई थी कि क्वालिटी वाज नॉट सो लाइक अप टू द मार्क, बट दिस इज़ फेयर एनफ, यू कैन जस्ट पुट इट एंड इट इज़ लाइक ड्यूरेबल ऑल्सो। इसे हम लोग अभी साइड रख देते हैं, देन वी हैव दिस, this is the actual mic what I am holding right now, so we can just see how the length is of this particular mic. So this is about 6 meter, I think, 6 meter in length this wire is. Top we have the main mic for where we will be speaking or where we will be using this, and then at the bottom we have the jack. So this jack will go inside the our device, whether normal phone or the DSLR camera. So then again, this is one kind of machine, you can say. So here we have to rotate this. You can as you can see here, you have to rotate this, and this will open up in two parts. So see here we can see there is a space to put one type battery, so here
सो बेसिकली अगर हम लोग इसे फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो देर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस बैटरी, बट वेन यू आर यूजिंग इट इन DSLR, स्पेशली DSLR, सो वी हैव टू पुट दैट बैटरी. सो दैट बैटरी इज़ इंक्लूडेड इन दिस पैकेट, सो देर इज़ नो नीड टू बाई इट सेपरेटली. So guys, as I told you at the top, we have the main mic. So for this mic, basically, so we have one foam. So you can see this is a foam. So this was inside this packet. So along with this foam, we have one button SIM battery, and then we have one clip. If we are using this battery, I mean this particular battery inside a small device, so we have to eject this battery. Particular ejector has been given. So right now I am keeping this aside because I am not going to use this inside a DSLR because mere paas abhi DSLR hai nahi, to ye abhi mere kaam ka nahi hai. So yeah, I will be using this in my mobile phone. So coming to the mic, basically, so here we will be putting this foam into this mic. This is the main mic where we will be speaking. So we have to just put this, I mean, just so that it will cover the entire mic. So basically, ये foam हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि suppose if we are shooting a video outside or there is a wind, I mean some high velocity wind, so we can feel the wind sound in to our video. So it can मैंने भी just देखा, मैंने अभी try नहीं किया, तो I don't know to which extent it just protect, it just act as a shield for wind. So yeah, and it can cancel the noise up to a small extent. So guys, when I use this, then I can feel the difference. So just ye usi purpose ke liye. So yeah, this mic has been set. So now aap log dekh sakte hain ki ye ek aisa mic jaisa bhi lag raha hai, small mic. So this will come here, and then this is the long wire, 6 meter wire, and nothing else. So here, if you want, we have to just put this. There is a sign of प्लस एंड माइनस. जैसे ये नॉर्मल ये छोटी सी बैटरी लगती है किसी भी डिवाइस में, तो हमें लाइक दे साइन दिया हुआ है, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन हियर, सो वी कैन सेट दिस बैटरी अकॉर्डिंगली. सो दे दिस इज लाइक सेटिंग अप द बैटरी इज ऑफ नो बिग डील. सो जस्ट आई एम कीपिंग असाइड, सो वी कैन जस्ट टाइटन. अगर मैं इसे लाइक फ़ोन में यूज़ कर रही हूँ तो इसे बैटरी सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. So again, you can see there is a toggle button, guys. So when we are using it inside a camera, so we have to just toggle this up in the camera mode. As you can see, this camera mode. And if we are using it for mobile phone, then we have to toggle it down. So yeah, then we can start the recording. So this is the all what I have. So just now I will test the sound, like just you have to see like is there any difference when I am recording through the original mic of my mobile phone and when I am recording through this Boya mic. So just wait and see. And one more thing, guys, this is the small clip they have given. There is a tape given, so I will show you how it will get fixed. Just हमें ऐसे करके ऐसे push कर देना, तो it will get fixed. So and yeah, this is not like flexible. I mean, this is not movable. It is fixed. So now from upside, we can put this foam gently. So guys, this foam is so soft, so please, while you are putting this foam over the original mic, I mean the main mic, so you have to be gentle. So yeah, this clip is all set. So this clip, we can put it like this inside on our collar or wherever we want. So yeah, this is, so I will test the
sound quality now, so stay tuned. So guys, right now I am recording my voice through this Boya by M1 mic, and previously I was recording through my just inbuilt audio recorder in my phone. So you have to see the difference, if there is any difference. So just comment below and let me know if you can see the difference or catch the difference. गाइज, जैसा कि मैं स्टार्टिंग के वीडियो में बताई थी कि हम लोग इस पर्टिकुलर माइक, आई मीन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी कैन चेक द ऑथेंटिसिटी, आई मीन ये प्रोडक्ट रियल है या नहीं, तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं. यहाँ पे फ्रंट में, ये पैकेट के फ्रंट में हमें एक कोड था. उस कोड को स्क्रैच करने के बाद हमें उसके 16 डिजिट के नंबर मिले, एंड बिलो दैट वी हैव वन बार कोड. सो वी आई एम गोइंग टू जस्ट स्कैन दिस बार कोड इन माई मोबाइल डिवाइस यूजिंग द बार कोड स्कैनर, देन वील सी वाट इट इज. सो लेट्स सी गाइज. ये माइक लिए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, तो मैं इससे पहले ही चेक कर ली थी, तो आई वॉज नॉट अवेयर दैट वी कैन चेक ओनली वंस. आई मीन वी कैन जस्ट स्कैन इट ओनली वंस, एंड फॉर द सेम प्रोडक्ट वी कांट चेक फॉर मल्टीपल टाइम्स. सो सॉरी, आई कांट शो यू राइट नाउ. बट अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल स्टेप है. ये स्कैन करना है आपको, ये जो बार कोड है, दिस बार कोड यू कैन सी. सो यूजिंग योर स्कैनर, और इफ़ यू डोंट हैव एनी स्कैनर, आई मीन इन बिल्ट स्कैनर इन योर मोबाइल फोन, सो यू कैन जस्ट इंस्टॉल एनी स्कैनर फ्रॉम प्ले स्टोर और गूगल स्टोर, एंड यू कैन जस्ट स्कैन इट. आफ्टर स्कैनिंग दिस बार कोड थ्रू एनी ऑफ द स्कैनर, वी कैन सी वन लिंक. सो दैट लिंक विल रीडायरेक्ट टू इट्स Boya वेबसाइट. सो दिस देर इज़ अ वेबसाइट लाइक boya.mic.com. सो देयर विल बी वन शॉर्ट वीडियो, सो दैट वीडियो itself will say that it is a original mic, because it will the real website of Boya. So there will be one congratulations message like, congratulations, so you have one original product like this. I don't remember exactly what was written. So yeah, in this way we can check whether this product is genuine or not. So this is all about the mic. So the only problem is when you are shooting the video outside. So अगर आप बाहर में शूट कर रहे हो तो ये इतनी लंबी वायर को हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा, आई मीन मेसी काइंड ऑफ हो जाता है. तो या इफ़ यू आर कंफर्टेबल एनअप, सो यू कैन जस्ट गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर Boya माइक, और एल्स यू कैन जस्ट गो अहेड विथ एनी वायरलेस माइक. सो मैं भी वायरलेस ही लेना चाहती थी, बट लाइक द मिनिमम प्राइस फॉर एनी, आई मीन द बेस प्राइस फॉर एनी वायरलेस माइक इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम 2000. सो इफ यू आर गुड विद दिस, सो यू कैन जस्ट टेक द वायरलेस ऑल्सो, बट फॉर द स्टार्टिंग या दिस इज़ द बेस्ट माइक, यू कैन गो अहेड विद दिस. गाइज, किसी लगी आपको ये वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इफ़ यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द ऑडियो क्वालिटी देन ऑल्सो डू कमेंट बिलो. एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड विश यू ऑल अ ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू.